एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती का बड़ा अपडेट आया साथियों, बड़ी खबर है। बहुत दिनों के बाद खुशखबरी भी समझ सकते हैं, या काफ़ी प्रयास किया गया है स्टूडेंटों के द्वारा। अगर आप इस खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए अगर आपको भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए अब ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड आज की बड़ी खबर देख लेते हैं। ग्रुप डी के बर्खास्त कर्मचारियों को समायोजित करे सरकार, ये बात कही है सर्व कर्मचारी संघ ने। साथियों, दोबारा काफ़ी दिनों के बाद आवाज़ उठाई गई है। अगर ये साथी प्रयास करेंगे तभी कुछ समाधान निकल सकता है, वरना ये पेंडिंग में ही प्रोसेस चला जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि जनवरी 2021 में ग्रुप डी की नौकरी से बर्खास्त के कर्मचारियों को खाली पदों पर समायोजित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि 1993 की खेल ग्रेडेशन नीति के तहत प्राप्त ग्रेडेशन प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान की जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने बताया कि सरकार की मांग पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल 2018 में ग्रुप डी के 18,218 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1518 खेल कोटे के पद थे। खेल कोटे के पदों के लिए हरियाणा की खेल ग्रेडेशन नीति के तहत प्रमाण पत्र होना आवश्यक था। विज्ञापन में यह नहीं स्पष्ट था कि 25 मई 2018 की नीति के तहत प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसलिए साथियों, दूसरी जो बड़ा मुद्दा अभी तक इस ग्रुप डी भर्ती के ऊपर ये सवालिया निशान है कि इन 1518 कैंडिडेटों को अगर इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो इनको ज्वाइनिंग क्यों दी गई। ज्वाइनिंग भी हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई है और अब हटाया भी हरियाणा सरकार के द्वारा जा रहा है, कोई दूसरी सरकार भी नहीं बदली, तो इन कैंडिडेटों को हटाया क्यों जा रहा है, ये ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए थी। इसी कारण से जो एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको भी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। थर्ड वेटिंग लिस्ट का अभी तक किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया जाता किसी भी न्यूज़ में। ये थर्ड वेटिंग लिस्ट लगेगी भी या नहीं लगेगी, इसका कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। काफ़ी साथियों के कमेंट आते हैं तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जब भी हमारे पास कोई स्टीक न्यूज़ आएगी तो ही हम उसका जवाब दे पाएंगे। गलत जानकारी हम हमारे चैनल पर कभी भी प्रोवाइड करवाते नहीं हैं। इसलिए साथियों, आपको अगर हमारा ये ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।